सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुन्नार। मुन्नार के इस प्लेस पे आकर के रुका हुआ था लास्ट व्लॉग, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, यहाँ लिंक दे रहा हूँ, उस व्लॉग को देखिएगा तब इस जगह को आप रिलेट कर पाइएगा। सो आज की जो जर्नी होने वाली है मेरी, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, आधी होगी जो शिवा का हाफ बस्ट स्टैचू है वहाँ पे जाऊँगा, मतलब कि कोयम्बटूर से थोड़ा आगे है उसका कुछ नाम है, वो रास्ते में चलते थे। मैं जब बाइक स्टार्ट करूँगा, जब चीज़ बैठूँगा तो आपको बताऊँगा कि क्या प्रॉपर नाम है, ईशा फाउंडेशन ऐसा कुछ नाम है। तो वहाँ तक आज जाने वाले हैं। तो आज की जो राइड होने वाली है लगभग 6 से 7 घंटे की होने वाली है, और फिर से आज महादेव से हमारी मुलाकात होने वाली है। तो चलिए, इस प्रॉपर्टी को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। इस प्रॉपर्टी का नाम था स्पाइस स्टेज। अगर मुन्नार में आप आते हो तो इस जगह पे ज़रूर आना भाई साहब, ये नेक्स्ट लेवल का। आप होटल रिजॉर्ट हॉस्टल्स में तो रह ही चुके हो, इस जगह पे आकर के रहो, बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच में ये कैंपिंग साइट है, और क्या मज़ा आता भाई साहब। रात को इतनी प्यारी वाली ठंड थी ना, मतलब मैं लेकर नहीं आया था पुलोवर, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मुन्नार आइए तो एक स्वेट शर्ट ज़रूर से रखिएगा अपने साथ, ये मतलब सोच के आइएगा कि हम साउथ में जा रहे थे, इधर गर्मी होगी नहीं, यहाँ पे ठंडी रहती है रात को, तो वो लेके आइएगा, वो मेरी तरह गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को भी शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले पूछ लेते हैं, कैसे हो सारे? बढ़िया, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ अपने चैनल गो राइडर्स में। तो चलिए बाकी की बात करते हैं चेतक पे बैठने के बाद। और हमारा जो टेंट था कुछ इस तरीके से था, देखो सारा सामान फैला हुआ है, ये था, मस्त नींद आई भाई बिल्कुल। ये वाला जो टेंट है ना, ये नया टेंट आया है डिकैथलॉन का, बिल्कुल अंधेरा रहता है इसमें, बिल्कुल लाइट नहीं आती, तो मस्त सोया हूँ यार, दबा के सोया हूँ ठंडी में मस्त रजाई के अंदर। और ये कुछ इस तरीके से है इनका कैंप साइट, ये है पूरा का पूरा फॉरेस्ट, देख लो यहाँ भी है, इस फ्लोर पर भी है, उस 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 फ्लोर पर भी है, और टॉप के फ्लोर पर भी है, अगर दिख जाए तो वहाँ ऊपर तक इनके कैंप साइट्स हैं। तो मज़ा आएगा, मैं बता रहा हूँ फिर से, मज़ा आएगा अगर आप इस जगह पे आकर के रुकते हो तो। चलिए निकलते हैं यहाँ से, हो चुका है रेडी फिर से दौड़ने के लिए स्पाइस स्टेज से। अभी निकल रहे हैं कोयम्बटूर की तरफ, जो मैंने वो बताया था। ये मिले तरुण भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, थैंक यू सो मच, या सेम हियर ब्रो। सो जल्दी मिलते हैं, श्योर 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 श्योर, आई वेलकम। चल चेतक, दौड़ने का टाइम आ गया तेरा। सो हर राइड को शुरू करने से पहले गणपति बप्पा मौर्य मंगल मूर्ति मौर्य ओम नमः शिवाय, जय माता दिया खुदा या अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु गॉड ब्लेस मी। सो जी, अच्छी प्रॉपर्टी थी, हॉस्पिटैलिटी बहुत पसंद आई इनकी। ये जब मिलता है ना प्यारे इन्फ्लुएंसर्स को, तो सच बताऊँ दिल गार्डन गार्डन हो जाता है भाई, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो अभी अरुण भाई ने बताया कि जिस रास्ते से आप जा रहे हो ना कोयम्बटूर, बहुत सीनिक है, लेट्स सी कितना सीनिक है वो, तो जब हम एंटर करेंगे उस रोड पर तो पता चल ही जाएगा। क्या है यार, हॉर्न देने के बाद भी घुसे जा रहे हो, दिल तो नहीं कर रहा है मुन्नार छोड़ के जाने का, लेकिन कहीं पहुंचने के लिए कहीं से तो निकलना पड़ेगा ना। ये हॉर्न का फिर से इशू हो गया यार, सी दिस माउंटेन यार, लग ही नहीं रहा कि हम साउथ में ट्रैवल कर रहे हैं। ओए होए 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 होए, वाटरफॉल 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 नहीं वाटरफॉल, ये भी दिखाई दिया आपको, लुक एट दिस। दोस्तों मुझे लद्दाख से प्यार है, स्पीति से प्यार है, तीसरा जो प्यार हुआ है ना मुझे मुन्नार से हो गया है यार। मुझे इतना प्यार दार्जिलिंग से भी नहीं हुआ था जितना कि मुन्नार से हो गया है। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस यार, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैं कैसे नहीं आया था, मैं तो यही सोच रहा हूँ मैं कैसे मुन्नार को अभी तक स्किप किए हुआ था यार, 4 साल से मैं राइड कर रहा हूँ और मैं मुन्नार नहीं आया था।
इसके चक्कर में इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। मुझे भी दिखा था, दूर दिखा था वाइल्ड एलिफेंट उस साइड में, तो इस साइड में दिख रहा था। अपने पास उतना लेंस है नहीं कि जूम करके दिखा पाऊँ, पर मैंने देख लिया भैया। दोस्तों अभी तक जो राइड चल रही है मजा आ रहा राइड, मतलब इतने कर्वी ट्विस्ट एंड टर्न्स है ना, मजा आ रहा बाइक को चेतक को दौड़ा के। लास्ट टाइम जब लद्दाख में इशू हुआ था वो क्लच प्लेट का, कम से कम वो सही चीज़ें अब नहीं है साथ में हमारे बाइक के, तो मज़ा आ रहा है कर्वी रोड पे चला के। भाई साहब जो लोकेशन दिख रहा है ना, मतलब जो मेरी खुली हुई आँखें देख पा रही हैं ना, सच बता रहा हूँ यार, कैमरा जस्टिस नहीं कर पाता है। तो आप सबको बोलूँगा कि यार राइड करो, ट्रैवल करो, बाइकार आओ, जैसे आना आओ, लेकिन केरला का मुन्नार एक्सप्लोर करना बिल्कुल मत भूलो। और मैं सच बताऊँ तो 4 से 5 दिन जो है ना आपको मुन्नार चाहिए। मेरा 1-2 दिन का था, जितनी चीज़ें हो पाई उतना कवर किया। कभी ट्रैवल ब्लॉग करने के लिए आएंगे तो तरीके से एक्सप्लोर करेंगे मुन्नार को। इस बार बस सिर्फ राइडिंग वाले सारे शॉट्स और ब्लॉग्स देखो। नेक्स्ट टाइम कभी अगर आए मुन्नार तो ट्रैवल ब्लॉग करने आएंगे। भाई साहब जो लोकेशन है भाई, यहाँ रुका हूँ लेमन टी के लिए, चाय पियेंगे फिर काम पे चलेंगे। ये देखो मौसम खराब होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये झरना इस चीज का डर खत्म कर दे रहा है, क्योंकि है ही प्यारा लोकेशन, गजब। और अपन चेतक किधर पार्क है, सो चलिए फटाफट चाय पीते हैं फिर आगे निकलते हैं। ये है मुन्नार की लेमन टी और ये है नज़ारे, और हम पियेंगे इस नज़ारे के साथ इस चाय को। चलिए फटाफट चाय पी लेते हैं। ये जो अभी एरिया क्रॉस कर रहा हूँ ना, ये है मारायूर, मारायूर नेशनल पार्क। यहाँ पे सैंडल्स के पेड़ बहुत मिलते हैं, ठीक है, मतलब कि चंदन के पेड़ बहुत हैं यहाँ पे। और चंदन के पेड़ पे भैया सांप लिपटे होते थे, यहाँ सांप भी होंगे बहुत सारे, बट कोई ना, अपने को नहीं दिखना चाहिए क्योंकि अपने को सांप से बहुत डर लगता है। भाई ये रास्ता कितना सीनिक है यार, रास्ता सच में कितना सीनिक है। होटल नहीं दीदी, होटल नहीं चाहिए। ये भैया बस वाले साइड तो दो, पता है तुम केरला के ड्राइवर हो, तुम नहीं देते हो साइड जल्दी, दे दो भैया। भाई बस वालों से साइड लेना मतलब कि एक अलग ही टास्क है। ये देखो राइडर्स आ रहे हैं सब, अच्छा इस रोड पे मुझे पता चला था कि हाथी वाथी भी आ जाता है, इसलिए दोनों साइड ना बैरिकेटिंग किया हुआ है, इस साइड भी और इस साइड भी, तो टेंशन नहीं लेने का, समझा कि नहीं। ए बंदर बाबू, ए बंदर बाबू, बंदर बाबू क्या कर रहे हो, ए क्या निकल रहे रे,
ये देखो बाहुबली नहा रहा है। राइट बाहुबली जी। ओ करी मुट्टी वाटरफॉल्स। अबे साइड में चलना चूतिया। सब चूतिया लोग चला रहे हैं गाड़ी में। पूरा जंगल सफारी है भाई साहब। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो भी आपको एलिफेंट दिख जाएंगे इस रोड पे, और बुरी रही तब भी दिख जाएंगे। देख रहे हो ये माउंटेन, देखो कैसे होल हुआ पड़ा है बीच बीच में। देखा गया नीचे देख लेते हैं। ये देखो ये है चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसा कुछ दिखेगा आप घूमोगे तो। ये दूसरा है या तीसरा शायद है, मुझे याद नहीं है, दूसरा ही होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बाय बाय चिनार है शॉप और केरला फॉरेस्ट चेक पोस्ट। अभी हम केरला छोड़ रहे हैं। बाय बाय केरला। सामने तमिलनाडु है। वेलकम टू यू तमिलनाडु एनिमल टाइगर रिजर्व अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। वेलकम इन तमिलनाडु। तमिलनाडु और तुम से को जाओ भैया हैंडल भैया। हाँ सर रोक लो यार, क्या है लगता है ऐसे 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 चलो ऊपर चलो चलो चलो। खूबसूरती से कल दूर हो जाएंगे। हाँ जी तो यारो अभी भी 2 से 2.5 घंटे की राइड बची हुई है कोयम्बटूर की, मतलब आदियोगी की, और मैं अभी रुका हूँ वाला कुंडापुरम। ये जगह का नाम है। सो यहाँ पर सोचा कि लंच कर लिया जाए, क्योंकि सुबह से बस ब्रेकफास्ट करके निकले थे, कुछ खाए नहीं थे, भूख लग रही थी, लिटरली भूख लग रही थी। और इस रोड पे बहुत ज़्यादा आपको अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं मिलने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे वो टाइगर रिजर्व हमने क्रॉस किया, उसके क्रॉस करते ही एक अच्छा रेस्टोरेंट था, मैंने सोचा कि आगे भी होंगे, लेकिन आगे मुझे कुछ नहीं मिला। सो वहाँ से आई थिंक 30 किलोमीटर के आसपास आगे बढ़ाऊँ, तब जा करके ये एक देखा मुझे रेस्टोरेंट, मैंने सोचा खा लिया जाए फिर आगे बढ़ा जाए भाई साहब।
फाइनली हरी योगी पहुँच गया। लास्ट टाइम जब आया था तो मैं बिल्कुल वहाँ स्टैचू के पास तक बाइक लेकर गया था, और अभी बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज कर दिया गया इस जगह को भी, ईशा फाउंडेशन को भी। और ये देखो स्थिति, पार्किंग की स्थिति, बाइकर्स की पार्किंग की स्थिति देखो। सदगुरु खुद एक बाइकर है और मैं ट्वीट करने जा रहा हूँ उनको अभी इसी वक्त, ये ट्वीट करूँगा कि ये सारी चीज़ें हैं। और बाइकर्स के साथ ये लोग जो बात करते हैं बहुत बुरे तरीके से बात करते हैं, दिस इज़ वेरी बैड थिंग। एंड बस मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, बसेज जो है बिल्कुल जो स्टैचू है उसके पास तक जा रही हैं और बाइकर्स को ये लोग इधर ही इतनी दूरी रोक दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अजीब सी हुई होते जा रही हैं क्योंकि ये लोग कमर्शलाइज कर चुके हैं इस चीज़ को। तो चलते हैं आगे, चलते हैं, चल के एक्सप्लोर करते हैं। दिमाग तो ख़राब हो चुका है, तो मैं बहुत सोच करके आया था कि बाइक को वहाँ तक लेके जाएंगे, महादेव के साथ फ़ोटो निकालेंगे, लेकिन सब सपना चकनाचूर हो गया। हर चीज़ को कमर्शलाइज करना ज़रूरी नहीं होता यार। देखो यार, कमर्शलाइज करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैसे नहीं लेते हैं तो उसको कैसे कमर्शलाइज बोला जाएगा। मैंने कुछ चीज़ें देखी, कार्स और बसेस जो जल्दी आ गए उन सब की पार्किंग बिल्कुल देखो कहाँ पे, बस स्टैचू के एकदम बिल्कुल पास तक है, और बाइकर्स के लिए 500-600 मीटर दूरी पार्किंग कर दी गई है। सो दिस इज़ वेरी बैड यार, मतलब ये क्यों कर रहे हो आप? कार वालों को नज़दीक तक लेके आ रहे हो और बाइकर्स को इतने पीछे छोड़ दे रहे हो, ये सही नहीं लगा। एक बार बोलते हैं सब साथ में, हर हर महादेव। सतगुरु की लोन मोटरसाइकिल राइड फ्रॉम लंदन टू कोयंबटूर about 30,000 kilometers. The magic of this has to create people's support to make the policies in this happen. If only all of us can raise our voice together to ask the government, this will happen. Can we support CSI? और इंतजार कर रहा हूँ, अभी लाइट एंड शो होने वाला है, वो 7 बजे शुरू होता है, तो अभी भी टाइम बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटे बचे हुए हैं। 1 घंटे बाद लाइट एंड शो शुरू होगा, देन आपको दिखाएंगे उसका ब्लॉग को कर देंगे एंड। सो गाइज, एक पहले बैठे पता चला है, मुझे लगा था 7 बजे लाइट एंड शो शुरू होता है, लेकिन 7:20 एक बंदा मिला, उसने बताया कि 7:20 में लाइट एंड शो शुरू होगा। तो अभी भी 1 घंटे हैं, 1 घंटे बैठ करके निहारते हैं महादेव। हाँ दोस्तों, देख लिया लाइट एंड शो, आपको भी दिखा दिया, मैंने भी देखा, बहुत सच में बहुत इंटरेस्टिंग लाइट एंड शो है। अगर आप आते हो कोयम्बटूर घूमने या कोयम्बटूर के आसपास कहीं भी आप रहते हो तो जरूर से आना, लाइट एंड शो देखे भी ना मत जाना, सच में बहुत मजा आता है। तो इस ब्लॉग में यही रखते हैं, ये राइड रही मुन्नार टू कोयम्बटूर और यहाँ पे आपको शो दिखाया, बस इस ब्लॉग को यही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड चाइन, एंड प्लीज सेव गोल चाइन, प्लीज।